लाइन डालिए, न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस। हाँ, इसी को सब स्पेसेस भी कहते हैं। ये आपका चैप्टर सेक्शन ए का लास्ट चैप्टर है। ये खत्म होने के साथ ही आपका सेक्शन ए खत्म हो जाएगा। सेक्शन बी में आपका कनेक्टेडनेस 3-3.5 घंटे का चैप्टर है, मतलब इतना सब नोटबुक है मेरे पास। कॉम्पैक्टनेस बहुत छोटा है, हालांकि कॉम्पैक्टनेस में हम सब पढ़ाते हैं। कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, कंटिन्यूटी, ये तीन। कंटिन्यूटी में भी केवल इम्पॉर्टेंट 12-13 थ्योरम पढ़ाते हैं, जबकि उस चैप्टर में 40-42 थ्योरम है। ठीक है, हम केवल उतना ही पढ़ाते हैं और उतने में से ही आपको सब मिल जाता है। तो हमको लगता है कि ये ख़त्म करने के बाद एक हमको कॉम्पैक्टनेस में थोड़ा बहुत समय लगेगा। कॉम्पैक्टनेस ख़त्म होने के बाद कुछ नहीं बचा आपका। कॉम्पैक्टनेस जहाँ ख़त्म हुआ, एक महीने का एकदम बस एक महीने का कोर्स रह जाएगा। ठीक है, तब उस बीच आपके सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, मेरा कुछ थोड़ा स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। जैसे ही ये ओल्ड स्पेसेस फ्रॉम न्यू स्पेसेस ख़त्म करेंगे, फिर हम डीजी पे आ जाएंगे। ठीक, डीजी उसी के साथ ही साथ हम इसको रन कराते रहेंगे। ठीक है, डीजी में कर्व इन स्पेस ख़त्म होने के बाद आपका एक महीने का कोर्स। तो कर्व इन स्पेस ख़त्म होने के बाद एक महीना, जब भी वो ख़त्म हो एक महीना जोड़ लीजिएगा। हमको उम्मीद है कि फरवरी में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हाथ पैर अपना मार पीट के फरवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्स की चिंता मत करिए, अपनी पढ़ाई पे एकदम ध्यान दीजिए। कोर्स तो हर हाल में होना है, नहीं होगा कॉलेज ऑफ चल रहा है आप लोगों का, 2 से 8 बैठाएंगे 7 बैठाएंगे कोर्स हो जाएगा। अभी तो केवल प्रॉपर टाइम पे आप लोग चल रहे हैं कि 2 घंटा या 3 घंटा, उससे ज़्यादा तो आपको बैठाया ही नहीं गया है। ठीक है, संडे पूरा आपका खाली जाता है। तो कोर्स की चिंता मत करिए, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक, डालिए न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस। न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में सब स्पेसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि सब स्पेसेस होता क्या है। देखिए, सब स्पेसेस स्पेस का सबसेट होता है। सब स्पेसेस स्पेसेस का सबसेट होता है, जो खुद में मैट्रिक स्पेस बना देता है। आपको पता है मैट्रिक स्पेस बनने के लिए 3 चीज़ चाहिए। स्पेस, स्पेस मेन स्पेस का सबसेट होगा, उसके ऊपर एक मैपिंग चाहिए, वो मैपिंग उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या कहा गया कि सबसे पहले एक मैट्रिक स्पेस लेना एक्स कॉमा डी। एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस है, स्पेस का सबसेट लेने चल रहे हैं। स्पेस का सबसेट ले लिया वाई, शब्दों को जरा मेरे पकड़िएगा। एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस था, मैट्रिक स्पेस का सबसेट लिया है वाई। वाई के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं डी डैश। डी डैश एक मैपिंग होगी वाई क्रॉस वाई से आर के बीच में। डी मैपिंग थी एक्स क्रॉस एक्स से आर के बीच में। चूंकि ये मैट्रिक स्पेस था, तो ये उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होगी। नॉन नेगेटिव कंडीशन, नल कंडीशन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर ये उन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, दूसरे शब्दों में ये वाई के पॉइंट्स के लिए डी के नेचर को एडॉप्ट कर ले, दूसरे शब्दों में डी डैश वाई के पॉइंट्स के लिए
डी के बराबर हो जाए तो उस केस में डी डैश को रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग कहा जाता है और वाई कॉमा डी डैश सब स्पेस बनाता है। फिर बता रहे हैं इसको रिस्ट्रिक्टेड या इनहेरिटेड कहते हैं। हुआ क्या, सबसे पहले हमने स्पेस लिया मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, तो डी मैपिंग रही होगी एक्स क्रॉस एक्स से आर के बीच में और ये डी उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होगी। फिर हमने इस स्पेस का एक सबसेट ले लिया वाई, वाई को मैट्रिक स्पेस बनाना है तो वाई के लिए एक मैपिंग की ज़रूरत होगी। हमने मैपिंग ले लिया डी डैश वाई क्रॉस वाई से आर के बीच में, ये मैट्रिक है, ये मैपिंग है। मैपिंग मैट्रिक तब बनती है जब वो उन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, इसलिए हमने डी को बोला है मैट्रिक जबकि डी डैश को बोला है मैपिंग। ठीक, अब हमको एनी हाउ डी डैश को वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, डी डैश को डी की तरह बनाना है, किसके लिए, वाई के पॉइंट्स के लिए। तो डी डैश डी की तरह बन गया वाई के पॉइंट्स के लिए तो डी डैश को रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग या इनहेरिटेड मैपिंग कहते हैं और इस केस में वाई कॉमा डी डैश को सब स्पेस कहते हैं। ऑथर ने क्या समझदारी दिखाई, उसने बड़ी चालाकी की, कहा कि जैसे चार प्रॉपर्टी इसके लिए प्रूफ करके दिखाते थे, अगर वही चार प्रॉपर्टी इसके लिए भी प्रूफ करके दिखाएंगे तो चैप्टर में नया रहा कहाँ, फिर चैप्टर वहीं पहुंच गया तो बच्चों को बड़ा आसान लगेगा। तो लॉ कुछ ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट क्या कर देते हैं, उनको एक टास्क देते हैं कि तुमको डी डैश के लिए वो चार प्रॉपर्टी नहीं प्रूफ करनी है बल्कि तुमको डी डैश को डी के बराबर दिखाना है। चूंकि डी डैश वाई के एलिमेंट पे लग रहा है और वाई एक्स का सबसेट है तो डी डैश एक्स के उन मेंबर्स पे लगेगा जो वाई में पाए जाएंगे। डी तो इस पूरे पे लग रहा है, डी डैश केवल इतने में लग रहा है, केवल वाई, और वाई के एलिमेंट्स किसके हैं, एक्स के। तो डी तो सब पे लगता है लेकिन डी डैश तो केवल एक्स के कुछ एलिमेंट पे लगता है जो कहाँ पाए जाते हैं, वाई में। चूंकि हमने वाई के लिए दायरा को सीमित कर दिया, छोटा कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग कहते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ते थे आप लोग, तीनों डिपार्टमेंट में घूमते थे, केमिस्ट्री छोड़ने के साथ ही केमिस्ट्री में आवागमन बंद हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि केमिस्ट्री में नहीं जाना है, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। दूसरी चीज, इनहेरिटेड का मतलब आनुवांशिकता, माता पिता से मिला हुआ गुण, माता पिता की संपत्ति। डी की प्रॉपर्टीज को रख रहा है तो डी इसका पेरेंट है, डी से ही निकल करके कौन बना है, डी डैश, इसीलिए इसको इनहेरिटेड व्यू बोलते हैं। ठीक, और एक्स कॉमा डी डैश को सब स्पेस बोलते हैं क्योंकि ये इसी स्पेस से निकल करके बना है, इसलिए सब स्पेस कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई है पूरा। तो अब इस चैप्टर में हमको यही प्रूफ करना है कि डी डैश डी के बराबर होगा लेकिन किसके लिए, वाई के एलिमेंट्स के लिए। ठीक, चलिए लिखिए। हाँ, अरे भाई याद नहीं है, कितने साल पहले पढ़ेंगे, अरे 17-18 साल पहले पढ़े हैं, अब कुछ याद रहेगा। कब पढ़े थे, 11th में था ना,
बायो में, ये ध्यान है वो क्रोमोसोम करके ऐसे ऐसे बनता था, ठीक है, लेकिन अब इतना नहीं याद रहता है। अरे टेंथ किस साल में किए थे याद ही नहीं है। दो हजार तीन में किए थे टेंथ, सत्रह साल हो गया। अब कहाँ कुछ याद रहेगा। लिखिए सब स्पेसेस, पहली हेडलाइन है सब स्पेसेस। लिखिए लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड y इज सबसेट ऑफ x, एंड y इज सबसेट ऑफ x। हाँ लिखे ब्लैक बोर्ड पर, एंड y इज सबसेट ऑफ x, देन द रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग, देन द रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग, then the restricted mapping d dash such that y cross y to r, then the restricted mapping d dash such that y cross y to r defined by ये हो गया। नीचे से लिखिए देन डी डैश इज कॉल्ड, देन डी डैश इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैट्रिक, इंड्यूस्ड मैट्रिक, इंड्यूस्ड मैट्रिक कॉमा रिलेटिव मैट्रिक, रिलेटिव मैट्रिक कॉमा इनहेरिटेड मैट्रिक, इनहेरिटेड मैट्रिक एंड द सिस्टम, एंड द सिस्टम वाई कॉमा डी डैश। ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा, हमेशा सिस्टम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही लिखाता है। एंड द सिस्टम वाई कॉमा डी डैश इज कॉल्ड सब स्पेस, इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ द मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। डायग्राम बनाइए अगले साल के लिए। भाई आप लोग भी बच्चों को मैसेज दे दीजिएगा, अप्रैल से कोचिंग चलेगा, ठीक है, राज टॉकीज के सामने प्रॉपर व्यवस्था के साथ एयर कंडीशन कमरे सब सुविधाएं दी जाएंगी। हाँ वो फरवरी से ही करा देंगे। 9 to 12 तीनों बोर्ड्स, बीएससी एमएससी सब वही। एक्स कॉमा डी और अप्रैल से सेशन 9 to 12 का शुरू हो जाएगा। बीएससी जुलाई से, एमएससी सेमेस्टर जैसा जो रहेगा उस हिसाब से चलेगा, सब चलेगा। एमएससी मैथ्स केवल, लेकिन क्योंकि हम मैथ्स के हैं जो भी काम करेंगे हम अपने दम पे करेंगे, है ना। हमको टीचर्स पर बहुत भरोसा नहीं रहता है, हमको ये लगता है कि कोई भी काम परफेक्ट होना चाहिए। हम तो संभाल लेंगे, अगले से उम्मीद नहीं कर सकते। अब हम नहीं होंगे तो हम सर से उम्मीद नहीं कर सकते कि सर 2 घंटा सेकेंड ईयर और 2 घंटा थर्ड ईयर में पढ़ाएं, लेकिन वो नहीं है तो हमको पढ़ाना है क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है।
हो गया भाई, एक एग्जाम्पल लिखिए। इंड्यूस्ड मतलब प्रभावित होना, इंड्यूस्ड मतलब प्रभावित होना, वो इसी से प्रभावित हो रही है। ऐसे समझ लीजिए डी से डी डैश बन रहा है, एक्स से वाई निकला है। हो गया भाई, नेक्स्ट लिखिए एग्जाम्पल। हाँ पहला एग्जाम्पल लिखिए, समझ लीजिए फिर लिखिएगा। तो चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो ऑथर ने समझदारी दिखाई। जो ढूंढे थे उसको आज यूट्यूब पे देख के बताते हैं, है ना, नेट पे। चलिए देखिए, मान लीजिए आर कॉमा डी यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, ठीक। तो डी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक रही होगी, R क्रॉस R से R। देखिए ये चैप्टर बुक में थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, हम ऐसे ही ब्रीफली मेंशन करेंगे ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आए। पहले सब कहानी पेरेंट के लिए लिखेंगे कि पेरेंट में R कॉमा D है, D कहाँ से कहाँ तक होगा, D को डिफाइन करेंगे। फिर इसका एक सबसेट लेंगे, D डैश लिखेंगे, D डैश कहाँ से कहाँ तक होगा, D डैश को डिफाइन करेंगे। आपकी किताब में इतना लॉन्ग प्रोसीजर नहीं दिया है, लेकिन हम ऐसे ही हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे एक पैटर्न पे। तो सबसे पहले पेरेंट मैट्रिक डी कहाँ से कहाँ तक है और डी को डिफाइन करने का तरीका, शुरुआत से ही हमने ऐसे पढ़ाया है, इस कारण से केवल हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि एक पैटर्न पे चलिए। कोई भी मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करने के लिए क्या तीन चीज़, पहला एक्स, दूसरा डी कहाँ से कहाँ तक है, तीसरा डी को डिफाइन करने का तरीका। अगर ये तीन चीज़ आपके दिमाग में है, हम गारंटी ले रहे हैं कभी आप उस मैट्रिक स्पेस को नहीं भूलेंगे। बस ये तीन चीज़ किसी भी मैट्रिक स्पेस को याद रखने के लिए सफिशियंट है। अब इसके हम सब पार्ट पे आ रहे हैं। वाई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0, 1 ले रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सबसेट ऑफ आर होगा। लिखने का तरीका देखिएगा, नीचे नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक। अब डी डैश डिफाइन कर रहे हैं वाई क्रॉस वाई से आर के बीच में, सच दैट डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर डी एक्स वाई डी डैश एक्स वाई के लिए बराबर होगा। चूंकि डी डैश इतने पे लगता है और डी इस पूरे पे लगता है, कॉमन ये पोर्शन है, इस कॉमन पोर्शन में डी भी लगेगा, डी डैश भी लगेगा, इसलिए फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वाई। ये एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में तो हम ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमको वही एग्जाम्पल चाहिए जो सब स्पेस बनाता हो, ठीक है। तो इस केस में वाई कॉमा डी डैश सब स्पेस कहलाएगा। क्यों पूरा मिटाई नहीं है, हमने क्या बताया, इस कॉमन रेंज के लिए दोनों चीज होल्ड करेगी, कॉमन रेंज के लिए। सब स्पेस तो हमेशा सबसेट ही बनाएगा, मेन सेट कभी नहीं बनाएगा। अगर मेन सेट ले लिए तो वो मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, सब स्पेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। लिखिए पहला एग्जाम्पल है, दो तीन एग्जाम्पल है, एक करके लिखते चलिए। लिखिए लेट आर कॉमा डी बी अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस, लेट आर कॉमा डी
बी आर यूजुअल मेट्रिक स्पेस सच दैट वी इज इक्वल टू इतना डिफाइंड बाई इतना. ये लाइन लिखिए. हो गया. नीचे से लिखिए नाउ डिफाइन अ सबसेट. नाउ डिफाइन अ सबसेट. ये कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1 इज कंटेन्ड इन आर. सच दैट ये डिफाइंड बाई ये. यहाँ तक उतारियो. हम अपने पास से लिए ये एग्जाम्पल है ना, इसलिए लेकर के चले हैं ये. अगर ये नहीं लेती आप तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती. मतलब हम ये ले करके चले इस वजह से ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है इक्वल टू वाली. हो गया भाई. आगे बढ़े. नीचे से लिखिए देन नीचे से लिखिए देन ऑब्वियसली ये ब्रैकेट वाली लाइन. ये वाली देन ऑब्वियसली अब ये लिखना है. इसके ऊपर केवल यहीं तक लिखना था. देन ऑब्वियसली ये वाली लाइन. देन ऑब्वियसली ये वाली लाइन. नीचे से लिखिए हैंस वाई कॉमा डी डैश. हैंस वाई कॉमा डी डैश इज द सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी. हैंस वाई कॉमा डी डैश इज द सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी. हो गया. अब आपके यूनिवर्सिटी में यहीं से कटौती होने लगती है. मतलब यहाँ से अब हम लोग पढ़ाते हैं मैट्रिक स्पेस. 3 साल से हम ही पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में. यहाँ से सर बोलते अब कटौती करना शुरू करो. जैसे हम लोग क्या पढ़ाते हैं, जो सर हमको अंडरलाइन मार्क करके देते हैं किताब में कि ये पढ़ा देना क्लास में जाके, तो वही चीज़ पढ़ा. तो यहाँ से अब कटौती होना शुरू हो जाती है. मतलब उड़ा उड़ा के पढ़ाते हैं. इतना उड़ जाता है कि हमको लगता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने बैठे तो उसको समझ में ही नहीं आए कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली. क्या करें बेचारे. हम लोग की भी मजबूरी है ना. हम लोग उनसे ऊपर उठ के नहीं पढ़ा सकते ना. वो जो देंगे वही पढ़ाना है. क्या करें बेचारे. चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखिए. अरे फिर भी सुधीर सर ना बहुत सुधार ला दिए. जैसे हमको लगता है पहले एक एक क्लास में 250-300 बच्चे होते थे. मुश्किल से 70-80 बच्चे क्लास करते थे. कोई करता नहीं था. यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखने जाते थे हम लोग. सर क्लास चले या ना चले 270 में से 250 बच्चे रहते हैं अटेंडेंस में. बहुत रहते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम बना दिया है आना है पर बैठना है. आज क्लास चला कल क्लास चला उससे परसों ना चले रहना है. मतलब कड़े हो गए नियम के प्रति. तो डिपार्टमेंट में चहल पहल दिखती है. हम लोग जब जाते तो सुनसान रहता था एकदम सुनसान. मतलब हम लोग थे तो जान थी ऐसे समझ लीजिए. हम लोग तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट माने जाते हैं उस समय के. हम एक दिन डिपार्टमेंट में बैठे थे. मेरे टाइम के सर आए RCS सर. यहाँ तक का बाल रखते थे. साइंटिस्ट थे सीग्रेट के. उनको नाम याद था मेरा. क्या कर रही हो ये याद था. फेसबुक पे ऐड है
बेटा ठीक है, हमको लगता है तुम उतनी ही एनर्जी के साथ वापस आई होगी। सुधीर सर बोला, अरे कहाँ आई कहाँ है, आती ही नहीं है ये तो। हम के सर अब कहाँ वो पैशन रहेगा, उस समय अकेले ठकेले, अब इतनी सारी जिम्मेदारियाँ। तो कहे कि लेकिन उम्मीद है तुम कुछ अच्छा करोगी। हम के सर कर ले वही बहुत बड़ी बात है, अब बहुत जिम्मेदारी है हम लोग के ऊपर। हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक प्रॉपर खड़े रहते हैं, देख रहे गला बैठ गया एकदम। जिम्मेदारी है बहुत सारी, बहुत सारी चीज़ों को देखना है। पहले एक जिम्मेदारी थी बस पढ़ना और हांडना बस, अब बहुत जिम्मेदारी है। अब सबको देखना है, पता है उसको भी पढ़ाना है, बच्चे को उसका भविष्य है, खुद पढ़ना पढ़ाना, कोचिंग, घर बार, बिजनेस द्वार सब देखना है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब संडे यहाँ से रिलैक्स रहता है। उस दिन कोई मैसेज कर देता है पूछने के लिए, मन कहता 2 थप्पड़ खींच के मारे बस, संडे को भी चैन नहीं। और उसी दिन सब काम होगा, मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे लगातार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो भाई होते 2 थप्पड़ लगाएं खींच करके एकदम। लिखिए दूसरा। देखिए R², D इक्लूडियन ले रहे हैं, इक्लूडियन मेट्रिक स्पेस, ठीक है। तो x की जगह क्या लिया है हमने, R²। बोलिए D कहाँ से कहाँ तक होगा, R² × R² से R, D x y = √x1 - x2² + y1 - y2² जहाँ x का मान मिलता है x1 x2, y का मान है y1 y2, belongs to R², ठीक। इक्लूडियन की परिभाषा ये हो गई। अब इसका एक सबसेट लेते हैं। नाउ y इज सबसेट ऑफ R², ठीक। एक मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं D' सच दैट y × y से R। इस बार हम कुछ नहीं लिए हैं यहाँ पे, जो क्लोज इंटरवल 0-1 लिए थे नहीं लिए, बस एक y सबसेट ले लिए किसका, R² का। प्रॉपर है मतलब इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। y = किसका सबसेट है, R² का। तो अगर R² का सबसेट होगा तो इसके मेंबर्स भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, x1, 0, जहां x1 जाहिर सी बात है R का मेंबर होगा, ठीक है। डिफाइन कर रहे हैं D′XY = चलिए बताइए, देखिए x − y का x1 − y1 या x − y का होल स्क्वायर mod x − y, ठीक। हमने इसकी जगह ये डिफाइन किया हमने अपने मन से, हमने इसको अपने मन से डिफाइन किया है, तो mod और देखने में अच्छा लगेगा, ठीक। फॉर एवरी x, y belongs to y, ठीक है। क्या किए हैं, 2 डायमेंशन था, 2 डायमेंशन में 2 तरीके के पॉइंट्स पाए जाते हैं। एक पॉइंट वो होते हैं जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, एक पॉइंट वो होते हैं जिसमें एक कोऑर्डिनेट 0 होता है, आइदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अगर इस एक्सिस पे मूव करते हैं तो इस टाइप का पॉइंट मिलता है। तो हमने एक में ये ले लिया है
और एक में ये ले लिया है। ठीक, अब देखिए इसको इसके बराबर दिखाना है, ध्यान दीजिएगा। डी डैश एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स वन माइनस वाई वन इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसके हिसाब से लिखेंगे तो मिलेगा डी एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई जहां एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन जीरो, वाई इज इक्वल टू वाई वन वाई टू वाई वन जीरो। लेकिन ये क्या भाई, एक्स वन जीरो और वाई वन जीरो तो वाई के पॉइंट से बिलोंग्स टू वाई। आपने दिखा दिया डी डैश एक्स वाई डी एक्स वाई के बराबर है वाई में पाए जाने वाले पॉइंट्स के लिए। क्यों वाई में पाए जाने वाले पॉइंट्स के लिए ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इंड्यूस्ड मैट्रिक बनाएगा वाई कॉमा डी डैश। ठीक है, लिखिए फिर से बोलिए। नहीं, वाई वन कहाँ जीरो हो रहा है, वाई वन तो है। यहाँ देखिए एक्स वन माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टू था, तो एक्स में एक्स वन एक्स टू रखाया, तो एक्स में एक्स वन और जीरो रखाएगा, वाई में वाई वन वाई टू रखाया तो वाई में वाई वन और जीरो रखाएगा। हमने इसको पिक किया, इसको पिक करके पहले इसमें ट्रांसफॉर्म किया है, और जब इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया तो इसको इसकी हेल्प से लिखा है। x का मतलब स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट्स, x का मतलब स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट्स, y का मतलब लास्ट के दोनों पॉइंट्स, y का मतलब लास्ट के दोनों पॉइंट्स। लेकिन ये क्या x1 कॉमा जीरो और y1 कॉमा जीरो तो y के एलिमेंट है। x1 x2 यहां x2 जीरो है, हां तो उसको डिफाइन किया उस पे निर्देशांक पर जो जीएनटी बनाया यहां पे x2 आप कहना चाह रही है ना, है ना, हां तो जो उस पे लाई कर रहा है x1 कॉमा जीरो, हां यहां पे मतलब x एक्सिस पर y कॉमा जीरो होता है उसके। नहीं देखिए हम आपको बताएं, ये हमने वो ये चीज बताई कि वो इसको डिफाइन कैसे किया है। जैसे आर स्क्वायर का ये मतलब नहीं है कि हमेशा दोनों स्लॉट्स हों, आर स्क्वायर का एलिमेंट एक्स वन कॉमा एक्स टू भी है, आर स्क्वायर का एलिमेंट एक्स वन कॉमा जीरो भी है, आर स्क्वायर का एलिमेंट जीरो कॉमा एक्स टू भी है। हमने कहा कि ये आर स्क्वायर का सबसेट है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तो ये सारे के सारे आते हैं, उसमें से उनको निकाला जो x एक्सिस पे लाई करते हैं, उसमें से उसको निकाला जो y एक्सिस पे लाई करते हैं। जब 100 पॉइंट में से उनको निकाल लिया गया जो x एक्सिस पे लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कलेक्शन इसका सबसेट बनाएगा। उसके लिए हमने ये चीज़ आपको दिखाई थी,
ये इसका सबसेट इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर तो सारे पॉइंट्स आते हैं, हमने वो पॉइंट्स निकाल लिए जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। वाई में एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, जबकि इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स हैं, तब भी दोनों की मैट्रिक्स सेम है, ये मेरे कहने का मतलब है। हाँ, वो दूसरा एग्जाम्पल फिर बनेगा, जीरो वाई एक्स टू बनेगा। फिर देखिए, नहीं नहीं, एक्स और वाई है, ये भी एक्स ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा जीरो, एक्स टू कॉमा जीरो, एक्स थ्री कॉमा जीरो लिया जा रहा है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए, टू डायमेंशन में दो पॉइंट्स की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको पता है कि अगर x एक्सिस पे दो पॉइंट की दूरी निकालना हो तो x2 टू माइनस एक्स वन आएगी, x2 टू माइनस एक्स वन। किस तरीके से एक्सिस की दूरी को 2D की दूरी से कन्वर्ट किया गया है, ये एग्जाम्पल इसलिए पूछता बहुत है, ठीक है। लिखिए लिखिए, लेट लेट आर स्क्वायर कॉमा डी, लेट आर स्क्वायर कॉमा डी बी आ इक्लूडियन मैट्रिक स्पेस, बी आ इक्लूडियन मैट्रिक स्पेस सच दैट सच दैट आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड बाई वेयर तक लिख डालिए, लिखिए तो हो गया, यहाँ तक लिख लिया आप लोग ने, हो गया। बड़े आगे, फिर यहां से लिखिए, नाउ डिफाइन अ सबसेट पूरा उतार लीजिए, नाउ डिफाइन अ सबसेट y से लेकर के यहां तक, आज ठंड बढ़ गई है, आज हवा में ठंडक बहुत है, है ना। तो आप लोग बाहर से आ जा रहे हैं, कम से कम अपने ईयर्स रैप करके आइएगा, मतलब इस समय मौसम बहुत ख़राब है, हम लोग तो कहीं निकल नहीं रहे, तब तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है।
पूरा 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 हो गया। नीचे से लिखे हैंस वाई कॉमा डी डैश, हैंस वाई कॉमा डी डैश इज अ सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, हैंस वाई कॉमा डी डैश इज अ सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। हो गया। एक और एग्जाम्पल लिखिए, मतलब ये सारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में काउंट होते हैं, जैसे ये खूब पूछा जाता है, 2 मार्क्स में आता है। एक चीज़ सोचिए, हम लोगों ने इसको नाम दिया इंड्यूस्ड, जैसा भी अमृता पूछ भी रही थी। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, मतलब डी से प्रभावित होकर के डी डैश बना है। क्या होगा तब जब डी डैश डी से प्रभावित ना हो, इंड्यूस्ड ना हो, मतलब एक बिल्कुल एक तरीके का मैट्रिक स्पेस ले लीजिए, एक बिल्कुल एक तरीके का मैट्रिक स्पेस ले लीजिए कि दोनों में कोई संबंध ही ना हो। जैसे इसमें रिलेशन हमने आपको दिखाया, क्या रिलेशन दिखाया कि 2D में अगर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी हो तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, एक्सिस के दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी हो तो ओरिजिन से इसके पॉइंट मतलब x2, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मतलब x1, दोनों को घटा देंगे तो x2 - x1 एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। क्या होगा तब जब एकदम इंटरकनेक्शन ही ना हो, जैसे BSc सेकेंड ईयर में भी LPP, आप लोग में भी LPP इंटरकनेक्टेड हो गए, एक साथ चल रहा है, तब क्या होगा जब एक BSc फर्स्ट ईयर का हो, एक MSc फर्स्ट ईयर का हो, कोई कनेक्शन है दोनों में? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिसेस में आपस में एक ना एक संबंध ज़रूर होना चाहिए, नहीं होगा तो सब स्पेस नहीं बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजुअल, और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए डिस्क्रीट का। डिस्क्रीट यूजुअल में ज़मीन आसमान का अंतर है। यूजुअल दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल करके मॉड लगाता है, जबकि डिस्क्रीट कहता है कि या तो हम 1 होंगे या तो 0 होंगे, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। अगर इन दोनों को लिया जाए क्या तब भी सब स्पेस बनेगा? अब हम वो चीज़ देखने चल रहे हैं। इस केस में सब स्पेस नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक्स यूजुअल से इंड्यूस्ड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, दोनों ऑपोजिट पोल हैं। जब दो एकदम ऑपोजिट पोल होंगी तो मैट्रिसेस इंड्यूस्ड नहीं होंगी, एक दूसरे से जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगी तो फिर उस केस में वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। दैट मीन्स सब स्पेस बनने के लिए एक तो वाई को एक्स का सबसेट होना ज़रूरी है, दूसरा डी डैश को डी से इंड्यूस्ड होना पड़ेगा, डी डैश को डी से प्रभावित होना पड़ेगा, डी डैश को डी से निकलना पड़ेगा, तभी वो सब स्पेस बनाएगा, अदरवाइज वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। पूछते हैं वाइवा में, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ सबसेट टू बी अ सबस्पेस? पहली कंडीशन कि वाई एक्स का सबसेट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन डी डैश डी से इंड्यूस्ड होना चाहिए। इंड्यूस्ड का क्या मतलब आप समझते हैं? डी डैश डी से प्रभावित होना चाहिए, डी डैश डी से ही निर्मित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दीजिएगा, कहिएगा दो पॉइंट के बीच की दूरी ऐसी, एक्सिस के पॉइंट के बीच की दूरी ऐसी, इंड्यूस्ड है, एक दूसरे से संबंधित है इस प्रकार से, तभी ये यहाँ पे सब स्पेस बना रहा है। जब इंड्यूस्ड नहीं होगा, जैसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, दोनों में कोई मिलन ही नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में आप कहते हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू वॉड एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस पॉइंट के ऊपर निर्भर करती है, जबकि डिस्क्रीट में डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1, 0 पॉइंट पर निर्भर नहीं करती है, दोनों में कोई भी एक जैसा योग है ही नहीं, इस केस में ये कभी भी सब स्पेस नहीं बनाएगा। अब हम यही चीज़ लिखवाने चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लिखिए,
लिखिए, इफ द मैट्रिक ऑन वाई, इफ द मैट्रिक ऑन वाई इज नॉट इंड्यूस्ड From the metric on capital X, then Y will not be the subspace, of the metric space capital X. Then Y will not be the subspace of the metric space capital X. ठीक है, लिखिए लाइन चेंज करके, एक हेडलाइन डालिए, काउंटर एग्जाम्पल. काउंटर एग्जाम्पल का मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को? काउंटर का मतलब होता है निशाना साधना. मतलब आपने जो हेडलाइन लिखी है उस पर निशाना साधते हुए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल लिखिए, लेट आर कॉमा डी बी अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस, such that r cross r to r defined by d, such that r cross r to r defined by dxy is equal to mod x minus y for every x comma y belongs to r. ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया पेरेंट मैट्रिक का. ठीक है, आप भी ऐसे ही एग्जाम में करेंगे, भले ही बुक में दिया हो या ना दिया हो, पहले पूरा पेरेंट मैट्रिक को डिफाइन कर लीजिए, फिर इत्मीनान से उसके सब मैट्रिक को डिफाइन करिए, तब चेक करिए कि वो सब स्पेस बनाएगा कि नहीं. इस पे नंबर बहुत अच्छा मिलता है इस तरह से लिखने पे. ठीक है, कबूतर की तरह उड़ा के लिख दिए, लेट आर कॉमा डी बी अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस एंड वाई इज इक्वल टू सबसेट ऑफ आर, कहानी खत्म, नंबर नहीं मिलेगा. और बुक में वही काम किया गया है. ये पेरेंट मैट्रिक हो गई, अब इसके सब मैट्रिक को डिफाइन करिए. लिखिए, लेट y is equal to close interval 0, 1 is proper subset of R. Then a mapping metric लिख लीजिए. Then a metric d dash such that y cross y to R. Then a metric D dash Y cross Y to R defined by D dash XY is equal to 0, 1 if X is equal to Y, if X does not equal to Y. किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ये तो आपने डिस्क्रीट लिखा है और डिस्क्रीट मैट्रिक तो एक्स के ऊपर डिफाइन होती है, तो ये कहाँ से आ गया? डिस्क्रीट मैट्रिक किसी भी सबसेट के ऊपर डिफाइन हो सकती है. एक्स मतलब आर्बिटेरी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं. तो इसीलिए हम ये श्योर है कि डी डैश इसके ऊपर भी मैट्रिक स्पेस बनाएगा. ठीक है, बात समझ रहे हैं? डिस्क्रीट में लिखते थे एक्स कॉमा डी, जबकि हमने यहाँ लिखा है 0, 1 डी डैश. तो ये कैसे पता कि ये उन चारों प्रॉपर्टी को इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगी? चूँकि डी डिस्क्रीट मैट्रिक किसी भी सबसेट के ऊपर डिफाइन हो जाती है, तभी एक्स लिया गया है, तो वो इसके ऊपर भी डिफाइन हो जाएगी. ये 100% श्योर है. होंगे जीरो और वन के बीच में जितने सारे रियल नंबर होंगे सब होंगे. तो उसको कैसे?
क्यों नहीं करेगा बताइए, कोई भी दो रियल नंबर लीजिए इसके बीच में, है ना, करेगा ना। बढ़े आगे, अब हमको दिखाना है कि y में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के लिए क्या ये दोनों बराबर होगा। बराबर हो गया तो सब स्पेस बनाएगा, बराबर नहीं हुआ तो सब स्पेस नहीं बनाएगा। लीजिए हम एक उदाहरण आपको दे दे रहे हैं। लेट x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/4। 1/2 भी इसमें पाया जाएगा, 1/4 भी इसमें पाया जाएगा, बिलोंग्स टू y। दोनों को बराबर चेक करते हैं किसके ऊपर, y के एलिमेंट्स के ऊपर। क्या प्रॉपर्टी होती है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी डैश एक्स वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू y, है ना। तो y के हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, निकालिए अब एक बार ये और एक बार ये। नाउ डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो डी एक्स वाई का मान कितना आ गया, 1/4। बट डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू डी डैश एक्स की जगह 1/2 और 1/4। चूँकि डी डैश का मान या तो 0 या तो 1 होगा, जो इस पर डिपेंड करेगा, एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो इसका मान कितना आएगा, 1। दिस इम्प्लाइज दैट डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं क्लियरली डी डैश एक्स वाई डी एक्स वाई के बराबर नहीं है, जब आपने एक्स और वाई का मान इसमें लिया। किसी एक के लिए ट्रू नहीं है, किसी एक के लिए ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, लिखिए। ऐसा केवल इसलिए हुआ है क्योंकि ये इंडिविजुअल मैट्रिक है, ये इंडिविजुअल मैट्रिक है, कोई भी एक दूसरे से इंड्यूस्ड नहीं हो रही है। ठीक है, लिखिए, यहां से उतार लीजिए, लेट से पूरा उतार लीजिए। क्या चीज, नहीं नहीं पहले चैप्टर जैसा नहीं, अभी बहुत कुछ आएगा, उतना नहीं है। ये बहुत छोटा चैप्टर है, अब आपको कोई बड़ा चैप्टर नहीं मिलेगा, आप सब छोटे छोटे हैं। हाँ, कॉपी भर गया, बस ये सोचिए पढ़ना कैसे है उसको, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। क्या करिएगा, नंबर पाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, सभी पढ़ते आए, परंपरा यही रही है। कल मेरे पास करिए, कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मेरे एक वीडियो पे क्या कमेंट किया यूट्यूब पे,
प्लीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट दैट मैट्रिक टेंसर इज अ कैरियर ऑफ ग्रेविटेशन. मैट्रिक टेंसर ग्रेविटेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करता है. इस चीज़ को हम लोग कैसे मेंशन कर सकते हैं? जैसे हमने आपको क्या बताया था कि डीजी कुछ नहीं बल्कि एन डायमेंशन में होने वाली सभी चीज़ों का इंटरकनेक्शन है. आप जो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वही भविष्य में जब आप रिसर्च करते हैं तो वो चीज़ें आपको ये बताती हैं कि कैसे एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, तो ग्रेविटेशन जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, एन डायमेंशन में ही जा रहा है. एन डायमेंशन में जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, दो पॉइंट्स हो गए, दो पॉइंट्स के बीच में मैट्रिक होगी, तो मैट्रिक के आधार पे उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो भाई रीमानियन मैट्रिक में दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना आपने सीख लिया. आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है. तो जो आर आपको मिला रिमानियन की हेल्प से उसी के व्युत्क्रम के हिसाब से ग्रेविटेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वैरी करता है. अगर आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं तो रिमानियन मैट्रिक क्या है? रिमानियन मैट्रिक कुछ नहीं बल्कि रिमानियन स्पेस में हाउ टू मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यही वो चीज़ है. तो अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी आप निकाल लें तो ये आपको पता है कि ग्रेविटेशनल दो लोगों के मास और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है. मास को फिक्स कर दीजिए तो डिपेंड करेगा दो लोगों के बीच की दूरी पर. दूरी को आप रिमानियन से निकाल लीजिए, उसका व्युत्क्रम करके स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल किस तरीके से वर्क करेगा. ठीक है, हम रिप्लाई नहीं कर रहे थे, हम ऐसे अपने हस्बैंड को बताए तो कह रहे अरे बेवकूफ़ रिप्लाई करो, कुछ तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा. हम के सही बात है, तो हम भी 10 मिनट बैठे, थोड़ा सा सोचे समझे, फिर हमने रिप्लाई किया, फिर उन्होंने कुछ हमको बताया, फिर हमने कुछ अपनी तरफ से बताया, तो करते करते हम लोग का आधा पौना घंटा डिस्कशन चला. मज़ा आया, हम भी कुछ सीखे, कुछ हमको भी सीखने को मिला. हमको खुशी इस बात की हुई कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पूछा, हम ज़्यादा खुश इस बात को लेकर के थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, नीचे से लिखिए. हैंस वाई कॉमा डी डैश इज नॉट द इंड्यूस्ड मैट्रिक. हैंस वाई कॉमा डी डैश इज नॉट द इंड्यूस्ड मैट्रिक. ऑफ मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी. ऑफ मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी. ठीक है, चलिए एक वो लिखिए रिमार्क. रिमार्क, ये रिमार्क आपके इस चैप्टर के थ्योरम में बहुत सी जगह इस्तेमाल होगा. ठीक है, लिखिए लेट वाई कॉमा डी डैश, लेट वाई कॉमा डी डैश बी अ सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी. लेट वाई कॉमा डी डैश इज अ सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी एंड A belongs to Y and A belongs to Y, comma R greater than 0 then we have देखिए x, d मैट्रिक स्पेस है, y, d डैश उसका कोई सब स्पेस है, a y में लिया गया कोई पॉइंट है. तो कह रहा है अगर a को सेंटर मान करके r रेडियस का कोई ओपन स्पेयर बनाए s a r, तो s a r अब दो मैट्रिसेस के रिस्पेक्ट में बन सकता है, एक y के रिस्पेक्ट में एक x के रिस्पेक्ट में. तो क्या फॉर्मूला कहा गया? S A R
जब वाई के रिस्पेक्ट में बनेगा और एस ए आर जब एक्स के रिस्पेक्ट में बनेगा, ठीक, मैट्रिक डी के रिस्पेक्ट में, मैट्रिक डी डैश के रिस्पेक्ट में। आपको पता है मैट्रिसेस बदलती हैं तो ओपन स्पेयर बदलता है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल, इक्लूडियन में सर्किल, एक में काइट शेप, एक में स्क्वायर बदलता रहता है। कौन बड़ा है दोनों में? एक्स बड़ा है तो एक्स वाला बड़ा होगा, वाई छोटा है वाई वाला छोटा होगा। अगर हमको दोनों को बराबर करना हो तो सेम साइज का बनाना पड़ेगा, तो या तो बड़े वाले को छोटा कर दे या छोटे वाले को बड़ा कर दे। बड़े वाले को छोटा करते हैं इंटरसेक्शन लेके। याद कैसे करेंगे? वाई वाला ओपन स्पेयर इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन एक्स वाला ओपन स्पेयर। वाई वाला ओपन स्पेयर इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन एक्स वाला ओपन स्पेयर। एक्स वाले ओपन स्पेयर में वाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो वाई वाले ओपन स्पेयर के बराबर होगा। एक्स वाले ओपन स्पेयर में वाई वाले ओपन स्पेयर का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो वाई वाले ओपन स्पेयर के बराबर होगा। ऐसे ही अगर एक्स वाले नेबरहुड में वाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो वाई वाले नेबरहुड के बराबर होगा। इस तरीके से 7-8 थ्योरम है। नेबरहुड पे, ओपन सेट पे, क्लोज्ड सेट पे, लिमिट पॉइंट पे, बहुत सारे थ्योरम हैं, उसी में से आता है। क्या बताएं? एक्स वाले ओपन स्पेयर में वाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो वाई वाले ओपन स्पेयर के बराबर होगा। ठीक है, उतार लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। अब बस थ्योरम्स हैं। हम इसीलिए चाह रहे थे कि कल 2 घंटे का क्लास रख देना तो काफ़ी थ्योरम कंट्रोल में आ जाएगा। हमको लगता है परसों नरसों तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परसों नरसों तक कंप्लीट हो गया तो हम लोग तो ये हफ्ता टारगेट बना के चल रहे थे पूरा इस हफ्ते में कि दोनों चैप्टर ख़त्म करेंगे, इस हफ्ते में दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले हफ्ते से हम लोग कर्विन स्पेस उठा लेंगे मंडे से। इसलिए हम चाह रहे हैं कि फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन मिला करके हम ये चैप्टर कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो कल हम 2 घंटे से बुलाना चाह रहे थे। ठीक, तो कल 2 घंटा फिर आइएगा। 2 बजे से 4 तक हम पढ़ाएंगे, 4 से 5 सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी एक थ्योरम कराएंगे। बहुत पढ़ रहे हैं, इनकी पेन रोज ख़त्म हो रही है ना। हम भी ऐसे ही जब पढ़ते थे तो कितना रफ भर रहा है और कितनी पेन ख़त्म हो रही है, ऐसे ही काउंट करते थे। किस चीज़ का पेपर था, हमको ध्यान नहीं, एनालिसिस का ही पेपर था, 1 हफ्ते का गैप था, 3 पेन ख़त्म किए थे, पूरी पूरी नहीं, और 2 रफ कॉपी, मोटा वो गंदा पेज वाला लेते थे, बस भर दो, खोलने का मौका ना लगे। लिखिए एक क्वेश्चन, लिखिए फिर थ्योरम पे अप्रोच करेंगे। शो दैट अ सबसेट ऑफ कैपिटल वाई, हाँ क्वेश्चन है, शो दैट अ सबसेट ऑफ कैपिटल वाई, शो दैट अ सबसेट ऑफ कैपिटल वाई विच इज ओपन इन एक्स, विच इज ओपन इन एक्स कॉमा इज ऑल्सो ओपन इन वाई, इज ऑल्सो ओपन इन वाई कॉमा हाउ एवर
हाउ एवर द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, हाउ एवर द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। चलिए देखिए क्या क्या कह रहा है इसमें। सबसे पहले कह रहा है कि x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, कोशिश करिए डायग्राम सब में बनाने की, और y, d डैश इसका सब स्पेस है। आ सबसेट ऑफ y में एक सबसेट हमने ले लिया a, ठीक, विच इज ओपन इन x, a ओपन इन x है, तो आपको दिखाना है कि ये ओपन इन y होगा, ठीक। हाउ एवर द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, मतलब उल्टा इसका ट्रू नहीं है। अगर हम ओपन इन y ले लें तो वो ओपन इन x नहीं होगा। ये थ्योरम है, x कॉमा d कोई मैट्रिक स्पेस, y कॉमा d डैश उसका सब स्पेस, एक सबसेट a हमने y में ले लिया, पहले केस में मान लेंगे कि वो x में ओपन है तो दिखाएंगे y में भी ओपन होगा, दूसरे पार्ट में हम मान लेंगे वो y में ओपन है तो दिखा देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो x में भी ओपन हो। ये थ्योरम है हमारा, उल्टा नहीं चल रहा है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग कोई एग्जाम्पल से शो करेंगे, ठीक, ये वाला पार्ट हम लोग इन जनरल शो करेंगे। अगर सत्य नहीं होती है कोई बात तो या तो एग्जाम्पल दिखाते हैं या कोई कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड दिखाते हैं, दो ही चीज़ होता है इस तरीके के थ्योरम को हल करने का, या तो कोई एग्जाम्पल लेके दिखा दो कि एक ऐसा एग्जाम्पल हमने ढूंढ निकाला जो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये चीज़ बिल्कुल सत्य है, या उल्टा मान लो कि नहीं भैया ये सत्य है, काम करिए, अंत में जाने के बाद कोई गलत चीज़ मिल गई, गलत क्यों मिला, क्योंकि हमने गलत माना था, अपनी गलती को सुधारिए और थ्योरम प्रूफ हो जाए। दो ही चीज़ होता है इस चीज़ को प्रूफ करने का, तो यहाँ हम लोग काउंटर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। लिखिए लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर बी द यूजुअल मैट्रिक स्पेस, बी द यूजुअल मैट्रिक स्पेस विथ मैट्रिक स्मॉल डी, बी द यूजुअल मैट्रिक स्पेस विथ मैट्रिक स्मॉल डी एंड लेट y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0, 1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ r, एंड लेट y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0, 1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ r, देन डिफाइंड अ मैट्रिक d डैश, देन डिफाइंड अ मैट्रिक d डैश on capital Y such as d dash x y is equal to mod x minus y for every x comma y belongs to y। ये भी हमने पीछे शो किया था कि इस केस में y comma d dash सब स्पेस बनाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि y comma d dash x comma d का सब स्पेस है, एग्जाम्पल नंबर 1 में शो किया था, ठीक। तो ये मैट्रिक स्पेस हो गया और इस उदाहरण के तहत ये सब स्पेस हो गया, ये बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़े, a एक सबसेट लेना है किसका, y का,
नीचे से लिखिए लेट ए इज इक्वल टू क्लोज्ड जीरो ओपन हाफ इज सबसेट ऑफ वाई. ठीक है, पहले ये वाला पार्ट कर रहे हैं. चेक करिए कि क्या ये y में ओपन है. अगर y में ओपन है तो क्या ये x में भी ओपन है. ओपन होने का मतलब उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट. अगर ये y में ओपन होगा तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट. आपको कई बार बताए हैं कि अंदर के तो सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते ही हैं, बस चेक बाउंड्री को करो. 1/2 पे ओपन इंटरवल है, जाहिर सी बात है 1/2 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो उसको तो चेक करना नहीं है. 1/2 से सारे छोटे इंटीरियर हैं, अंदर है ही. चेक केवल किसको करना है, ज़ीरो. अगर ज़ीरो इंटीरियर पॉइंट बन गया वाई का तो ये वाई में ओपन होगा, नहीं बना तो ओपन नहीं होगा. इंटीरियर का मतलब अंदर के पॉइंट्स. अंदर के तो सारे इंटीरियर है ही, जो दरवाजे पे खड़ा है बस उसको चेक करो. जैसे हम सब इस कमरे के अंदर है तो हम सब कमरे के इंटीरियर पॉइंट है. अभी हम चले जाएं दरवाजे पर तो चेक करना पड़ेगा कि मैम इंटीरियर है या नहीं. खुसुर पुसुर करिए, मैम के चिल्लाने की आवाज़ आए तो मैम इंटीरियर है, और मैम इग्नोर कर जाए तो मैम इंटीरियर नहीं है. यही होता है. बच्चे छोटे क्लास के बच्चे, अरे हल्ला करे मैम की आवाज़ आ गई, मारेंगे खींच के दो थप्पड़, अरे यार मैम यही है, चुप करो चुप करो चुप करो, है ना. तो चेक किसको करते हैं, केवल बाउंड्री को. बाउंड्री पे ये तो है नहीं क्योंकि ये ओपन है. कौन है बाउंड्री पे, ज़ीरो. तो केवल किसको चेक करेंगे, ज़ीरो को. किसके लिए, वाई के लिए. वाई की मैट्रिक क्या है, डी डैश. चेक करवाइए. चलिए, अगर हमको चेक करना है कि ज़ीरो वाई का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, तो ज़ीरो को सेंटर, एप्साइलन को रेडियस मान करके एक ओपन स्पेयर बनाएंगे. किसकी मैट्रिक के रिस्पेक्ट में, वाई की. अगर ये ए में कंटेन कर गया तो ज़ीरो ए का इंटीरियर पॉइंट है. ठीक है, चलिए देखिए. चेक करना है कि ये वाई में ओपन है या नहीं. ध्यान से शब्द को पकड़िए. चेक करना है कि ए वाई में ओपन है या नहीं. ये ओपन तब होगा जब इसके सारे पॉइंट, ऑल इट्स पॉइंट आर इंटीरियर पॉइंट. कोई भी सेट ओपन तब होता है जब उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट. y में ओपन का मतलब कि y की मैट्रिक लेकर के चलेंगे, बस यही सेंस होता है. y में ओपन का मतलब y की मैट्रिक लेके चलेंगे. x में ओपन का मतलब x की मैट्रिक लेकर के चलेंगे. अगर इसके सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट बन गए तो ये ओपन सेट होगा. हम चेक करना चाहते हैं कि इसका पॉइंट ज़ीरो इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं. अगर ज़ीरो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा तो ज़ीरो को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर इसी में कंटेन कर जाएगा. ज़ीरो को सेंटर मान करके हमने ओपन स्पेयर बना दिया. अब चेक करिए कि ये ए में कंटेन कर रहा है कि नहीं. कंटेन कर गया तो ओपन सेट, कंटेन नहीं किया तो ओपन सेट नहीं होगा. चलिए देखिए, इसका मतलब होता है इसमें स्पेस के वो सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं जिनकी डिस्टेंस सेंटर से निकालने पर एप्साइलन से छोटी हो जाती. एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, कोई लाइन हमने कट नहीं की, एकदम शुरुआती परिभाषा से बता रहे हैं. चाहते तो हम सीधे मॉड लिख सकते थे, लेकिन शुरू से करने पर एक बार चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं सारी. दिस इम्प्लाइज दैट एस वाई ज़ीरो कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई का मतलब क्लोज इंटरवल 0,1 डी डैश एक्स कॉमा ज़ीरो की जगह मॉड एक्स माइनस ज़ीरो इज लेस देन एप्साइलन. दिस इम्प्लाइज एस वाई ज़ीरो कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0,1. इसका मतलब होगा माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन द
दिस इम्प्लाइज एस वाई जीरो कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो कॉमा वन. इसका मतलब होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस एप्साइलन कॉमा एप्साइलन. दिस इम्प्लाइज एस वाई जीरो कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ले लीजिए जीरो कॉमा वन इंटरसेक्शन माइनस एप्साइलन कॉमा एप्साइलन जो दोनों में कॉमन हो. देखिए रियल नंबर लाइन पे ये ज़ीरो इधर की तरफ माइनस एप्साइलन इधर की तरफ प्लस एप्साइलन और ये हमारा वन. ज़ीरो और वन के बीच में एक है क्लोज इंटरवल ज़ीरो कॉमा वन. ज़ीरो कॉमा वन एक तो ये है और दूसरा है माइनस एप्साइलन कॉमा प्लस एप्साइलन ये है. दोनों तरफ की लाइंस इसमें पाई जा रही हैं. मतलब इसका जो मान होगा वो क्लोज्ड ज़ीरो ओपन एप्साइलन होगा. जाहिर सी बात है ये कंटेन करेगा क्लोज्ड ज़ीरो हाफ तो इससे बड़ा ही है ओपन हाफ में. ठीक है एप्साइलन बहुत छोटा है. दिस इम्प्लाइज दैट एस वाई ज़ीरो कॉमा एप्साइलन कंटेन कर रहा है ए में. इसका मतलब ज़ीरो इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक ऑफ वाई. ठीक अगर ये इंटीरियर पॉइंट है सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ए इज ओपन इन y. अब हमको दिखाना है कि ये x में ओपन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? यही ज़ीरो इसका जो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा. यहाँ हर जगह x लिखाएगा. जब इंटरसेक्शन लेंगे तो x का इससे इंटरसेक्शन इसी के बराबर आएगा और ये इसमें कंटेन नहीं करेगा. बात मेरी पकड़ रहे हैं? अब हमको फिर दिखाना है कि ये x में ओपन नहीं है. ये x में ओपन नहीं है मतलब इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा x की मैट्रिक के रिस्पेक्ट में. x की मैट्रिक के रिस्पेक्ट का मतलब नाउ वी हैव टू चेक वेदर a इज ओपन इन x और नॉट. x में ओपन का मतलब x की मैट्रिक के रिस्पेक्ट में ओपन होगा या नहीं. फिर से हम जीरो को टारगेट करेंगे. हैंस देखते हैं कि जीरो इसका इंटीरियर पॉइंट बनाएगा कि नहीं. किसकी मैट्रिक के रिस्पेक्ट में? x की. दिस इंप्लाइज दैट कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज डिस्टेंस अब की डी ले रहे हैं. यहाँ डी डैश लिए थे यहाँ वाई लिए थे यहाँ पे एक्स लेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ए इज लेस देन एप्साइलन. ठीक है सॉल्व करेंगे इसको. सेम यही लाइन आएगी बस वाई की जगह एक्स आएगा. लिख दे रहे हैं आधे तो आप लोग ऐसे देखते हैं जैसे एकदम अनभिज्ञ हो जानते ही ना हो. मिलेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r. इसका मतलब मॉड x माइनस जीरो लेस देन एप्साइलन. दिस इम्प्लाइज एक्स एक्स जीरो कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस एप्साइलन x लेस देन प्लस एप्साइलन. अरे क्या बताएं डायरेक्ट का. x सच दैट x बिलोंग्स टू r x belongs to open interval minus epsilon comma epsilon. इसका मतलब s x 0 comma epsilon is equal to r intersection minus epsilon comma epsilon. यही मिलेगा s x 0 comma epsilon is equal to minus epsilon comma epsilon. ठीक ये इसमें मेरे हिसाब से कंटेन करेगा. करेगा ना? नहीं करेगा.
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसमें कंटेन नहीं करेगा. दिस इम्प्लाइज ए, समझ रही हैं आप? समझ रही हैं बेटा? इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन इसमें तो केवल पॉजिटिव है. नेगेटिव पॉजिटिव के कंटेन नहीं करेंगे. इसका मतलब एस एक्स जीरो कॉमा एप्साइलन ए में कंटेन नहीं करेगा. इसका मतलब जीरो इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक ऑफ एक्स. इसका मतलब ए इज नॉट ओपन इन एक्स. ठीक है, तो हमने क्या दिखाया कि एक सेट जो वाई में ओपन है एक्स में ओपन. अब कल ये दिखाएंगे. ठीक है, कहाँ तक लिखा? इन वाई. नीचे से लिखिए, इन ऑर्डर टू चेक, इन ऑर्डर टू चेक वेदर वेदर ए इज ओपन इन एक्स एंड वाई, ए इज ओपन इन एक्स कैपिटल एक्स एंड वाई और नॉट, और नॉट कॉमा फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक वेदर वेदर डब्ल्यू एच ई ए टी एच ई आर मतलब यद्यपि. ये वेदर का मतलब मौसम. डब्ल्यू एच ई ए टी एच ई आर वेदर ज़ीरो इज, ज़ीरो इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, ज़ीरो इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए और नॉट. लाइन चेंज करके फॉर दिस, फॉर दिस लेट एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो कॉमा वी हैव, फॉर दिस एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो कॉमा वी हैव. अब यहाँ से ले करके पूरा यहाँ तक उतार लीजिए डायग्राम इसका इसके सामने, और ये कॉमन डायग्राम.
हो तो क्या भाई, दो लाइन और है, वो भी लिख के ख़त्म कर लीजिए थ्योरम को, जरा जरा से की वजह से लट लटक जाता है। डायग्राम बाद में बना लीजिएगा, एक बार बस लिख लीजिए, लिखने के बाद जो हम बोल रहे हैं वो लिखिएगा। लिख ली पूरा, लिखिए यहाँ तक पूरा लिख लीजिए है ना, और डायग्राम अभी छोड़ दीजिए, रुक के बनाइएगा। हो गया भाई, आप लोगों का हो गया? बोले नीचे से लिखिए, देयर फोर वी कैन सी दैट, देयर फोर वी कैन सी दैट आ सबसेट ऑफ वाई which is open in y may not be open in x। ठीक है, ये एक पार्ट का हो गया। दूसरा पार्ट ऑब्वियस ट्रू होता है, क्योंकि जो चीज़ें x में ओपन होंगी, x का ही तो सबसेट है y, तो उसमें अपने आप ओपन होंगी। तो उसको बस लिख लीजिए, नीचे से लिखिए, where as If a is equal to 0.5। देखिए यही इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा था x में, है ना, x के रिस्पेक्ट में यही इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा था, हमने उसको बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाल दिया तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वेयर एज इफ a इज इक्वल टू 0.5 subset of y
इज ओपन इन एक्स, इज ओपन इन एक्स, ये एक्स में ओपन होगा क्योंकि एक्स में केवल ओपन इसकी वजह से रुक रहा था, हमने इसको हटा दिया तो वो अपने आप कैसा सेट बन जाएगा, ओपन सेट। ठीक है, नहीं यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होता है, इसी से ही लिखे। ठीक है, वेयर एज इफ ए इज इक्वल टू 0.5 सबसेट ऑफ वाई इज ओपन इन एक्स देन ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो ओपन इन वाई, देन ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो ओपन इन वाई, देन ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो ओपन इन वाई। नीचे से लिखिए, हैंस एनी सबसेट ऑफ वाई, हैंस एनी सबसेट ऑफ वाई विच इज ओपन इन एक्स, विच इज ओपन इन एक्स इज ऑलवेज ओपन इन वाई, हैंस एनी सबसेट ऑफ वाई विच इज ओपन इन एक्स इज ऑलवेज ओपन इन वाई। ये थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, बाकी कर।